नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य धनराज। इंग्लिश विजार्ड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑब्सोल्यूट पोजीशन या ऑब्सोल्यूट डिग्रीज के बारे में, जो कि एडजेक्टिव्स के अंतर्गत आती हैं। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके जो भी एग्जाम्स, लेटेस्ट एग्जाम्स के लिए इसका एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनता है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑब्सोल्यूट डिग्री अथवा जीरो एलिमेंट इन एडजेक्टिव्स। दोस्तों, जीरो एलिमेंट क्या होता है, मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जीरो एलिमेंट का मतलब, जैसे कि कोई वर्ब है उसका फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म तीनों बराबर होते हैं, या कोई नाउन जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में बराबर होता है उसको हम जीरो एलिमेंट या जीरो मॉर्फीम या उसको जीरो रियलाइजेशन बोलते हैं। उसी तरीके से एडजेक्टिव में भी आप कह सकते हैं कि ये जीरो एलिमेंट है ऑब्सोल्यूट डिग्री। तो इसका जो पॉइंट्स है, जो पहला पॉइंट है वो लिखा हुआ है, देयर आर सम एडजेक्टिव्स दैट डू नॉट एडमिट ऑफ एनी कंपरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनका कंपरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री आप नहीं बना सकते, वो हमेशा ऑब्सोल्यूट पोजीशन में रहते हैं। जैसे दूसरे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, ऑब्सोल्यूट पोजीशन में हमेशा रहते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। अभी एग्जांपल्स में देखेंगे, जैसे कि पहला एग्जांपल लिखा है, हाउ कैन डिवाइडेड इंडिया बिकम द मोस्ट सुप्रीम पावर। यहाँ पर दोस्तों, जो सुप्रीम एक वर्ड है, जो वर्ड आपका सुप्रीम दिया गया है, वो ऑब्सोल्यूट पोजीशन में है, देख रहे हैं। तो उससे पहले हमने एक शब्द यूज़ किया है मोस्ट, इसको सुपरलेटिव कर दिया। तो अब इसको सुपरलेटिव जब कर दिया है तो ये आपका क्वेश्चन गलत हो गया, क्योंकि सुप्रीम एक ऐसा वर्ड है जो हमेशा ऑब्सोल्यूट डिग्री में रहता है, आप इसको इसका कंपरेटिव या सुपरलेटिव नहीं बना सकते। वैसे दूसरे एग्जांपल में लिखा है, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट मेजर ऑपरेशंस ऑफ इंडियन आर्मी लिखा है। तो मेजर भी एक ऐसा डिग्री है जिसको आप कंपरेटिव और सुपरलेटिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये भी एक ऑब्सोल्यूट डिग्री में रहता है। दोस्तों, अब चलो देखते हैं कि कौन कौन से शब्द ऐसे हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, जानना जरूरी है, क्योंकि ऐसे पता नहीं चलेगा कि कौन से शब्द हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, सम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडजेक्टिव्स ऑफ दिस काइंड, जैसे कि एग्ज़ाम में एसएससी वगैरह है, टेट वगैरह है, सीटेट वगैरह है, या जितने भी हमारे एग्ज़ाम्स एयरफोर्स या डिफेंस से रिलेटेड उनमें आते हैं। जैसे पहला शब्द दिया है परफेक्ट, दूसरा है यूनिक, तीसरा है आइडियल, चौथा है आपका चीफ, यूनिवर्सल, एक्सट्रीम, कंप्लीट, इंटायर, एक्सीलेंट, ऑब्सोल्यूट भी है, इम्पॉसिबल, इटर्नल, सुप्रीम, मेजर, माइनर, फुल, होल और अनमैच्ड। ये इतने शब्द हैं, काफ़ी शब्द हैं, ज़्यादातर शब्द मैंने दे दिए हैं, और भी वर्ड्स हो सकते हैं, मैंने एक्सेट्रा में दे दिया है। और उसके बाद में आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जानकारी देते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि ये वर्ड्स तो आपको डिफरेंट बुक्स में आपको मिल भी जाएंगे, लेकिन जैसे कोई ज्योमेट्रिकल फॉर्म है तो ज्योमेट्रिकल फॉर्म को हम कंपैरेटिव या सुपरलेटिव में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि कोई शेप है, ट्रायंगुलर है, रेक्टेंगुलर है, स्फेरिकल है, सर्कुलर है, या पैरेलल है, या अनपैरेलल है, या राउंड है जैसे, तो अब राउंड, मोर राउंड या मोस्ट राउंड ऐसा आप नहीं कर सकते, तो ये भी आपका ऑब्सोल्यूट पोजीशन में रहता है। नेक्स्ट आगे भी देखेंगे, इस तरह के वर्ड्स दो मैंने लिखे हैं, सम अदर वर्ड्स, जैसे कि ब्लाइंड है या डेड है। मान लो कोई व्यक्ति डेड है, पर्सन मरा व्यक्ति है, अब उसको मोर या मोस्ट से और भी कैटेगराइज नहीं कर सकते, क्योंकि हमेशा ये ऑब्सोल्यूट डिग्री में है। या मान लो ब्लाइंड है तो उसको मोर ब्लाइंड या मोस्ट ब्लाइंड नहीं कह सकते, ये भी ऑब्सोल्यूट में है। कुछ एग्जांपल्स और भी हैं, जैसे देखिए पहला एक सेंटेंस दिया है, आई हैव नेवर सीन अ मोर कंप्लीट बुक ऑन इंग्लिश, सॉरी जनरल स्टडीज़। तो मोर कंप्लीट लिखा हुआ है, अब कंप्लीट में ऑटोमेटिक ऑब्सोल्यूट है या ऑब्सोल्यूट पोजीशन में है, तो अब इसको मोर यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद में और भी एग्जांपल्स में देखेंगे, हैप्पीनेस इज़ द मोस्ट चीफेस्ट एम ऑफ मैनकाइंड। तो जो खुशी है वो जो सबसे मोस्ट चीफ इज अचीव माने होते ही है मुख्य, सबसे प्राइम, तब उसको मोस्ट से कैटेगराइज नहीं कर सकते, या उसको क्वालिफाई नहीं कर सकते, या सुपरलेटिव नहीं बना सकते। थर्ड जो एग्जांपल दिया है, द ब्यूटी ऑफ कश्मीर इज़ द मोस्ट अनमैच्ड। तो अनमैच्ड भी एक ऑब्सोल्यूट पोजीशन वाला वर्ड है। उसके बाद में
एग्जाम्पल दिया है आई हैव नेवर रीड सच द मोस्ट यूनिक बुक। यहाँ पर देखिए यूनिक एक शब्द है जिसको हम सुपरलेटिव में नहीं कन्वर्ट कर सकते, एब्सोल्यूट पोजीशन में रहेगा। उसके बाद में फाइव नंबर में दिया है दिस इज़ अ मोर डेड पर्सन, जैसे कि डेड बताया, अब मोर डेड से मतलब नहीं है, वो डेड है, अब उसमें मोर या मोस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये मोर नहीं होना चाहिए। ये सभी ज़्यादातर मैंने जो सेंटेंसेस लिखे हैं ये इरर्स हैं। उसके बाद में सिक्स नंबर में जैसे लिखा है राम इज़ मोर ब्लाइंड देन मोहन, अभी जैसे कंपैरिजन करते हैं तो ये लेकिन गलत है, आप इस कंपैरिजन को ऐसे लिख सकते हैं राम इज़ एज़ ब्लाइंड एज़ मोहन, क्योंकि आप एज़ और एज़ के बीच में हमेशा कौन सा डिग्री यूज़ करते हैं, पॉजिटिव या एब्सोल्यूट है चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, एब्सोल्यूट क्या मैंने बताया, इसको जीरो रियलाइजेशन या जीरो मॉर्फीम या एब्सोल्यूट पोजीशन बोलते हैं, एग्जांपल्स मैंने दे दिया है, और ये जो जो वर्ड्स हैं आप इनको हमेशा ध्यान रखेंगे। आप इसको वीडियो आप एक बार और भी देख सकते हैं, आपको वर्ड नोट कर सकते हैं कहीं पर, और उसके बाद में ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। मैंने एग्ज़ाम्पल्स और भी दे दिए हैं दोस्तों, जीरो एलिमेंट का आप एक वीडियो ज़रूर देखेंगे, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा है आप लाइक करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो सुनने और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।